हालेलुया हालेलुया रेतम जयम रेतम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हरेक को आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने भाई बहन लोग उपास में रुक के हैं पिता, इन सबों को आप आशीष प्रदान कीजिए। जिन विषयों के लिए आपको उपस्थिति में बैठ कर पिता प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इन सबों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में आप इनके सहायता कीजिए, इनके सारे बंधन टूट जाए पिता। हर एक कामों के ऊपर आशीषों की बारिश होने पाए आपके नाम से, आमेन। प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस भोर के उपास के प्रार्थना के सभा में, और जितने भाई बहन लोग उपास में रुक रहे हैं प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा, आपके मार्ग खुलेंगे, बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, और आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। हालेलुया। जो भाई बहन लोग फोटो भेजने वाले हैं प्रार्थना के लिए आप मुझे भेज सकते हैं। आप सभी के लिए आज भी प्रार्थना किया जाएगा और संडे को लाइव स्ट्रीम में भी प्रार्थना किया जाएगा। तो आज आपने जो हो सकता है कल परसों आपने भेजा हो तो एक बार फिर से आप मुझे रीसेंड कीजिएगा, क्योंकि सारे जो मोबाइल है उसे रीसेट कर दिया गया है। तो आप अपना फोटो एक बार फिर से भेजिए। हालेलुया। जो भाई बहन उपास में रुक रहे हैं विश्वास के साथ प्रभु आपकी सहायता करेगा, दिन भर उपास रुकने में हर प्रकार की कमजोरियां वीकनेस यीशु के नाम में दूर होगा और प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर प्रवाहित होगा, आमेन। मेरे पियो मरकुस के 2 अध्याय के जब हम उसके 17 वचन को देखेंगे तो यहां परमेश्वर हमसे वचन से बातें करता है और वचन कहता है, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, अब प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, मैं अब क्या करूं। इस प्रकार से वो अपने मन में बातें को सोचते हैं कि प्रभु मुझे माफ नहीं करे क्योंकि मैंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है। मेरे पियो परमेश्वर धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया है और वो चाहता है कि हर एक पापी अपने मन को फिराकर अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके वो मेरे पास आए और उद्धार को पाए। तो कहता है बीमारों को आवश्यकता नहीं, वैद्य को भले चंगों की आवश्यकता नहीं है बल्कि बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आज हो सकता है आप बार बार कह रहे मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अपने जीवन में पाप किया हूं इसीलिए प्रभु मुझे माफ नहीं कर रहा है। तो जब आप शुद्ध मन से और सच्चे मन से प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे, दोबारा ना करने का उससे वादा करेंगे, तो प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। मेरे पियो हम उपास में रुककर हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, उपास प्रभु के हमें करीब लाता है और हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, और उपास प्रार्थना हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में हमारी सहायता और मदद करता है, आमीन। इसलिए हर एक व्यक्ति फ्राइडे को उपास रुके लगातार 3 महीने तक, प्रभु अगुवाई कर रहा है तो आप जरूर उपास रुके और अपने बीज को बोए, प्रभु आपको इसमें सहायता करेगा, आमीन। जितने लोग भेंट दान दसमा डाले हैं चर जमीन के लिए बीज को बोए हैं प्रभु आपको आशीष करे, आपके घर आपके परिवारों को आशीष करे। हमारी मिनिस्ट्री हर रोज लगातार 300 दिन प्रार्थना करता है, आमीन। जो बीजना चाहते हैं दिल दिया गया है अपनी शक्ति और प्रभु के अगुवाई में आप इसमें बीज बो सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखे और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव की। महिमा 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 हल्लेलुया 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 रीमा रसकरब रेतम जयम। पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदा यह सुंदर समय के लिए, आपने एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया पिता, नया महीना दिया पिता हमारे जीवन में, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी ये नया दिन पिता इनके लिए आशोक का दिन होने पाए, प्रभु जी पूरे दिन भर अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, त्राव में सुरक्षा प्रदान कीजिए और अपनी दुगनी सामर्थ्य से आप इनको भरपूर कीजिए पिता।
पिता ही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रार्थना को देख रहे हैं सूर्य है पिता, हर एक के जीवन में आपकी आंसुओं की बारिश होने पाए पिता। जो कष्टों में, जो परेशानियों में, जो समस्याओं में है पिता, वो सारे कष्ट परेशानी और समस्याओं से आजाद हो जाए पिता। हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट और परेशानियों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय पिता आजाद हो जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, हर प्रकार की परेशानियों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में अद्भुत छुटकारा प्रकट हो जाए और ये भाई बहन आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। आपने इनके मार्ग खोल दिया, आपने इनके बंधन को तोड़ दिया पिता, और हर समस्या कष्ट और परेशानियों से आपने इनको आजाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो चिंताओं में पड़े हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर प्रकार के चिंताएं करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, और हर चिंताओं से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मेरे पियो, अपना बोझ, अपनी चिंता यीशु के ऊपर डाल दीजिए। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है मेरे पियो। और मारा सखर बा यीशु के नाम में हर प्रकार की चिंताएं, समस्याएं, कष्ट और परेशानियां इनके जीवन से बाहर जाए, इनके सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, और हर एक मार्ग यीशु के नाम में ओपन हो जाए। आपने के मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है पिता। हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओम अमरम सिकराबा उलराबा रिकराबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए, हर एक के काम सफल हो जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो प्रभु जी इस समय पिता ओ पिता बीमार पड़े हैं पिता, ओ प्रभु जी से हताश और निराश चुके हैं पिता, ये दवाई खा के थक चुके हैं खुदावन, ये थके बांधे आए पिता, लेकिन ये विश्वास के साथ आए पिता। रात का वचन कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, इनके हाथ उनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए, कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, सारे दर्द के शरीर से बाहर निकलने पाए, हड्डियों का दर्द, पसलियों का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। वो दर्द चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे नई चाहे पुरानी क्यों ना हो पिता, हर प्रकार की मारी की बंधन से, हर एक दर्द से मैं इसी समय आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए पिता, और आपकी सामर्थ्य के शरीरों में प्रवाहित हो जाए। यस यस ओ रिम रखरबा ओ मम रम सिखरबा। पियो विश्वास करे यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर आपके संग संग है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यस 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 यीशु आपको चंगाई देगा, यीशु आपको चंगाई देगा। मारिया छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, वो हर प्रकार की मारी की बंधन से आपको छुटका देगा, आपको आजाद करेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो अद्भुत चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वारिशय क्रम हमारे जीवन में प्रकट करेगा मेरे पियो। प्रभु हम इनको आपके हाथों में सौंपते हैं, ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए, हर एक को सिफा दीजिए, हर एक को छंगाई प्रदान कीजिए पिता, और अपनी महिमा के इनको बहुत ऐसा उपयोग कीजिए खुदावन। हम इनको आपके नाम से हम छंगाई की घोषणा करते हैं। ओ रिमरस सखरबा, हर प्रकार की बीमारियां बाहर जाए, बीपी शुगर नमो होने पाए, जो बिस्तर पर लेटे हैं, जो पैरों में पिता परमेश्वर कमजोरिया है, वीकनेस है पिता, उनको छंगाई की घोषणा करते हैं। जो बिस्तर पर लेटे हैं इनके पैरों में एक नया बल आ जाए, एक नया शक्ति आ जाए, एक नया सामर्थ्य आ जाए पिता, और ये आपकी महिमा करने वाली हो जाए। ओ रिमरस सखरबा ओ पिता, ये आपके नाम से चंगे हो जाए पिता। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए पिता, ये जहाँ कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, वहीं आरिशय क्रम आपके नाम से प्रकट होने पाए, और ये चंगे हो जाए आपके नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस समय ये चंगे हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए इस समय। राइट नाउ मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ,
उनके हाथ उनके पैरों में आपने बल दे दिया, आपने सामर्थ्य दे दिया, कमजोरियां वीकनेस को आपने दूर कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ पिता, रसोलिया पथरिया गांठ बीस सुगर बाहर निकलने पाए, जो पिता इनके शरीर पिता गांठ है ओ प्रभु जी बाहर जाए, ओ रीमा रसक है पथरिया बाहर निकलने पाए, किडनी की मारिया लिवर की मारिया बाहर जाए, यूट्रस की मारिया बाहर निकलने पाए, जो भी प्रकार की इनके पेट में मारिया है पिता, सारी मारियों के बंधन से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। जो दवाई खा रहे पिता उस दवाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, दवाई खाते ही शरीर से मारिया बाहर जाए राइट नाउ यीशु के नाम, इसी समय ये चंगे हो जाए पिता। प्रभु अपनी सामर्थी हाथ बढ़ा कर इन सबको छू लीजिए, इन सबको सिफा दीजिए, इन सबको चंगाई प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत आयस उपयोग कीजिए पिता। हम इनको आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। मेरे पियो अपने मुंह से इंकार करे यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय राइट नाउ आपके नाम से चंगे हो जाए, आमीन बोलकर क्लेम कीजिए। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता ये आपके नाम से चंगे हो जाए प्रभु, इनके हाथ उनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए पिता। ओ प्रभु जी हर प्रकार की बारी की बंधन से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान कर दिया पिता, आपने इनको ब्लेस किया, आपने इनको हीलिंग दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो दवाई खा रहे हैं उस दवाई के लिए प्रार्थना करते पिता, दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां बाहर निकलने पाए और ये भाई बहन आपके नाम से चंगे हो जाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। अद्भुत चंगाई स्वर्ग से प्रकट हो जाए पिता। ओम अमरा सखरबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो एडमिट हॉस्पिटल पिता ओ प्रभु जी आपके नाम से वो चंगे हो जाए पिता और वहां से बाहर निकल घर को आने पाए और ये आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस, आमेन 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 आमेन। महिमा हो राजा यीशु, महिमा हो राजा यीशु, प्रेस टू जीसस, प्रेस टू जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता जो प्रभु जी कर्ज में डूबे हैं पिता, वो सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज के जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए और याद की महिमा करने वाले हो जाए पिता। सारे कर्ज यीशु के नाम में चुकाया जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस। रास्ता में बैठे दुख हो, कष्ट हो, परेशानियों में घिरे हुए हैं ओ प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ओ पिता। इनके हृदय में शांति आ जाए पिता, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर। और जी पिता जिस घर में प्रार्थना चलिए उस घर में सुख शांति और आंसुओं की बारिश होने पाए पिता, और आपकी महिमा उस जगह में स्वर्ग से बरसने पाए खुदावन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके हृदय इनके मन के ऊपर आपका कब्जा होने पाए पिता, आपकी महिमा होने पाए खुदावन। हर एक भाई बहनों को हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। ये आशीष हो जाए पिता और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए खुदावन। घर में जो पिता ओ प्रभु कार्य करिए और सारी लड़ाई हरकत में बाहर जाए, अशांति वाली बातें निकल जाए पिता। प्रभु जो उस घर में शांति और मिलाप की आत्मा आ जाए, जो तलाक वाली बातें पिता पहुंच चुकी है, तलाक वाली बातों बन के जीवन से झड़काता हूँ, हर एक कोर्ट कचहरी से आजाद हो जाए पिता। और प्रभु जी मैं मिलाप की आत्मा इनके जीवन में आने पाए खुदावन। आपने इनके घरों में इनके जीवन सुख शांति आंसू की बारिश कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आशीष हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में जकड़े हुए हैं। हाँ पिता, हर एक अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके घर से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, हर इच्छा क्रम प्रकट हो जाए, हर एक हृदय मन ईश्वर के नाम में परिवर्तन हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए वहाँ उद्धार की बारिश होने पाए, वहाँ हर एक घुट टिकने पाए, जीवन की कार्य करने पर कहने पाए कि ईश्वर हे प्रभु है।
हर एक भाई बहनों को मैं मन फेरे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक हृदय मन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक हृदय मन के ऊपर आपका कब्जा होने पाए पिता, और ये भाई बहन आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माओं से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर प्रकार के अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से बाहर निकलने पाए और ये आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता। ऐसी आशी आपने दे दिया, अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माओं से आपने इनको आजाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। आमेन आमेन। जिनकी मेहनती कमाई पिता, ओ प्रभु जी खून पसीने कमाई पिता, कहीं फंसा है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए, किसी को दिए है पिता, लेकिन मेहनती कमाई समय पे नहीं मिल पाया पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप यहोवा रफा है पिता, आप अरिशय क्रम करने वाले परमेश्वर है खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनकी मेहनती कमाई जहाँ कहीं फंसा है पिता, जो व्यक्ति लिए है पिता, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए, हर एक कंपनी व्यक्तियों का मन, एमडीओ का मन को आपके नाम से परिवर्तन करने की घोषणा करते हैं पिता, वो इनकी मेहनती कमाई देने वाली हो जाए पिता। सारे रुकावटें बधाई आपके नाम से दूर होने पाए पिता, जो पैसे लिए उनका हृदय उनका मन आपके नाम से परिवर्तन हो जाए और इनकी मेहनती कमाई वो देने वाली हो जाए पिता। ऐसे अनुग्रहों से आप इनको भर दिया पिता, आप इनको ब्लेस कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। और प्रभु जिनकी मेहनती कमाई देने वाली हो जाए, आपने ऐसी अरिशय क्रम कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग पिता ओ प्रभु जी उपास में रुके हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता, हर एक को पिता अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए पिता। ओ रीमा रसा खरवा, यीशु के नाम में हम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं, इसी समय पिता ये चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। ओ रीमा रसा खरवा पिता, जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इनको जॉब की आस से देने जा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं, ये आपके नाम से आशीषित हो जाए। जो बाहर काम करते, जॉब करते, बिना पढ़ाई करते हैं, जहां भी है पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट और परेशानियों से आप इनको आजाद कीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता। आप इनको बच्चे के आशीष 2023 में देने जा रहे हैं, हर प्रकार की मारी, पेट की बंधन यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए और याद के नाम से चंगे हो जाए पिता। आपने 2023 में इनको बच्चे के आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। जो पिता परमेश्वर है, ओ प्रभु जो उपास में रुका है पिता, पिता हाँ पिता उन सबों को पिता आशीष प्रदान कीजिए पिता। जिस विषय के लिए पिता आपको उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन सबों को अपने आशीष से भरपूर कीजिए और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग कीजिए पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं, हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं, ये आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता। हर प्रकार के बंधन, समस्याएं, कष्ट और परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए, ये आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए पिता। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक कामों को आपने सफल किया है पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए खुदावन, आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीषित हो जाए पिता। दिन भर इनको अपने सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता, और उपास रुकने में आप इनके सहायता प्रदान कीजिए खुदावन। हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट और परेशानियों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। आपने इनके बंधन तोड़ दिया, इनके मार्ग खोल दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीमा रसा खराबा, घर से लेकर बाहर पिता बहुत से लोग ऐसे है पिता जो पास रुक कर पिता वो पिता ड्यूटी करने जाएंगे, अपने जॉब पे जाएंगे पिता, उनको पिता दुगनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए पिता। हर प्रकार की कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, घर से लेकर बाहर पिता, ऑफिस में, हर एक जगह पिता। पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता कीजिए और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, ये आपने किया, हम धन्यवाद करते हैं।
जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है पिता, प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, भेंट और दान दसवां डाले पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जितना बीज बोते पिता उसका 100 गुना आप इनको सही समय पर पिता ये कटने काटने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी आप इनको ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनके सैलरी बीज ने सौंपको मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ, जो जितना बीज बोया है पिता उसका 100 गुना या प्रतिफल पाने जा रहे आपके नाम से, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम यह ब्लेसिंग हो जाए, इनके घर इनके परिवार इनके संतानों के ऊपर आपकी आंसुओं की बारिश होने पाए पिता, और ये आपकी महिमा करने वाले हो जाए खुदावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ। हाँ पिता, जो पिता ओ प्रभु जी आपके चेयर जमीन के लिए बीज को बोया है पिता, उन सबों को ब्लेस कीजिए पिता, जो भेजने वाले हैं भेजने में सहायता प्रदान कीजिए, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत आयस उपयोग कीजिए पिता। आपने आशीष चंगाई प्रदान कर दिया, आपने के मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीष हो जाए, आपने इनको ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। कार्य में अगुवाई कीजिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, इनको काम करने में सहायता प्रदान कीजिए, जहां भी जाते हैं हर एक काम आपके नाम से सफल होने पाए, जितने का रिपोर्ट आने वाले हैं हर एक का रिपोर्ट नौ माने पाए। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेस्टु जी जस हालेलुया। मेरे पियो विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोल दिया है, आपके बंधन को तोड़ दिया है और आपको जयवंत कर दिया है। आमेन हालेलुया। मारिया समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु आपको उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने लोग उपास में रुक रहे हैं विश्वास के साथ लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास में रुके और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीषों से भरपूर करेगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।